अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट स्वीट्स की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 100 ग्राम्स के करीब बादाम, और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे हम इसे साइड में रख लेंगे। अब ले लेते हैं हम 50 ग्राम पम्पकिन सीड्स और 50 ग्राम ही सनफ्लावर सीड्स। इसे भी हमें रोस्ट कर लेना है। तो अब ये सीड्स चटकने लगी है तो हम इसे निकाल लेते हैं, हमें ज़्यादा नहीं रोस्ट करना। तो अब यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और क्योंकि पैन गर्म है उसी में मैंने डाल दिया है सेसेमी सीड्स, और हमें हल्का सा इसे भी रोस्ट कर लेना है। इसी में मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब खसखस। ये यहाँ पे मैंने ले लिया है डेट्स, तो ये अच्छी क्वालिटी का आप डेट्स लीजिए। और बस हमें यहाँ पे इसे इस तरह से कट कर लेना है। कट करके हम इसकी सीड्स निकाल देंगे और इसे रख देंगे साइड में। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 25 डेट्स खजूर, और इसको मैंने सीडलेस कर दिया है। हम ले लेंगे एक जार और इसमें डाल देंगे नट्स। हमें इसे दरदरा सा पीस लेना है, पूरा पाउडर नहीं बनाना है। हल्का हल्का सा इसमें नट्स के टुकड़े दिखाई देने चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। अब इसी जार में हम ले लेंगे खजूर, इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने खजूर को भी अच्छी तरह से पीस लिया है। तो अब हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ड्राई फ्रूट में ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे खजूर का पेस्ट जो अभी हमने ग्राइंड किया है। अब ड्राई फ्रूट के साथ में हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट में अपने पसंद के बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो मुझे पसंद है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। क्योंकि खजूर स्टिकी होता है तो ये देखिए कितने आराम से सारा ड्राई फ्रूट का पाउडर जो है वो इसमें मिक्स हो गया और बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से रोल बना देंगे, इसका इस तरह से अच्छी तरह से इसे सरफेस पे रख के हमें रोल कर लेना है। तो ये अब रोल हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी तेल और खसखस जो हमने रोस्ट करके रखी हुई थी बस वो ले लेना है, और इसमें अब हम इसे रोल करेंगे अच्छी तरह से।
तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट रोल स्वीट्स बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। एक एक इंच के गैप पे हमें इसे कट करना है। आप चाहें तो इसे लड्डू का शेप भी दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कितना परफेक्ट पीस निकल आया है। और ये स्वीट्स आप आराम से 1 महीने तक रख के खा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत जल्द बन जाती है। तो व्यूवर्स, आज की मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, और आपको मेरी चैनल पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।